नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको वीक बोन्स के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। कितनी बार आपने या आप अपने किसी नज़दीकी इंसान को ये कहते हुए सुना है कि भाई पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, ज़रा सी भी ठंड बढ़ जाए तो हड्डियों में दुखने लगता है। वेरी कॉमन राइट, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने तो ये क्लिनिक में बहुत बार सुना है कि मैडम हड्डियाँ बहुत नाजुक महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जिसकी वजह से हमारे बोन्स हेल्दी रह सकते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, फॉस्फरस की कमी की वजह से हड्डियों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। विटामिन डी अगर किसी बच्चों में कम हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन सारी बीमारियों में बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अगर किसी के बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो तो उनके बोन्स काफ़ी आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी लग जाए तो भी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। अगर थोड़ा सा भी ज़ोर से सांस लो तो रिब्स में फ्रैक्चर आ जाता है। ये वीक बोन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस साइन सिम्टम है। बोन्स में होने वाले वीकनेस का सबसे मेजर कारण होता है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी। इसीलिए कई बार वीक बोन्स के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, स्लीपीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा नींद जैसा आना, या फिर हड्डियों में इधर उधर दर्द करना, मसल्स में भी वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि कैल्शियम मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। वैसे ही मसल्स में स्टिफनेस महसूस हो सकती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस महसूस हो सकती है, नॉर्मल मूवमेंट्स करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस हो सकता है, बैठ के उठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, नॉर्मल स्ट्रेट चलने में, हर एक्शन में डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। अगर ऐसी कोई सिम्टम कोई प्रेजेंट कर रहा हो या फिर ऐसी कोई तकलीफ किसी को हो रही हो तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। उनके डॉक्टर उन्हें शायद कुछ ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दे। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको एक्सरे का सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया को रूल आउट करना चाहते हो तो आपके डॉक्टर आपको बोन डेंसिटी टेस्ट का सुझाव भी दे सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट, एक्सरेज और बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने के बावजूद डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रही हो तो आपके डॉक्टर आपको बोन बायोप्सी का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके द्वारा बोन में कोई मेजर बीमारी तो नहीं ये समझा जा सकता है। अगर आपको अपनी बोन्स को वीक होने से बचाना है तो रेगुलरली विटामिन डी को कंज्यूम करें। विटामिन डी को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 15 मिनट के लिए अगर आप धूप में खड़े रहते हैं, जी हाँ 10 से 1 बजे की धूप में अगर आप खड़े रहते हैं तो भी आपका रेगुलर विटामिन डी का कंजम्पशन हो जाता है। इसके अलावा आप विटामिन डी से फोर्टिफाइड खाना खा सकते हैं। डेरी प्रोडक्ट यूजुअली विटामिन डी से भरपूर हो सकती है। एग्स, फिश ऑयल विटामिन डी से भरपूर होता है। इन्हीं सबको कंज्यूम करके आप रेगुलर डेली विटामिन डी की मात्रा को मीट कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी कंज्यूम करना यानी कि फोर्टिफाइड विटामिन डी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है या फिर आपको धूप में भी खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का एक्चुअल डोज क्या है ये समझने के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या तकलीफ हो सकती है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन, सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी और ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी के वीडियोस ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।